मार्केट क्या लगता है? अब इसका जवाब तो हर कोई ढूंढ रहा है, बट लेट मी टेल यू, इसका क्लियर कट आंसर किसी के पास भी नहीं होगा। मिस्टर मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मगर एटलीस्ट हम एक इन्फॉर्म मार्केट आउटलुक तो बना ही सकते हैं गोइंग बाय रीसेंट मार्केट ट्रेंड्स। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा इन द नियर फ्यूचर। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन, जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर जरूरी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। मगर इसके पहले कि हम आगे बढ़े, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कीप रिसीविंग न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। अभी जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुई है, उसके बाद से ऑयल प्राइसेस में तेजी बनी हुई है और ऑयल प्राइसेस काफी समय से ब्रेंट क्रूड प्राइस $100 पर बैरल के ऊपर ही ट्रेड करता आ रहा है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो हायर देन एक्सपेक्टेड राइज इन ऑयल प्राइसेस है, ये मार्केट इन्वेस्टर्स को नर्वस कर सकता है। एंड इफ दीज प्राइसेस स्टे एट एलिवेटेड लेवल्स फॉर क्वाइट सम टाइम, तो ये एक मार्केट के लिए काफी कंसर्निंग फैक्टर बन जाएगा। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ता ही जा रहा है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन तो अभी नियरली 8% पर पहुंच चुका है और फूड इन्फ्लेशन उससे भी ज्यादा है। तो किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होता है। अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, और जब सप्लाई डिमांड को एक्सीड करती है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है। इसीलिए आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन को टेम करना है तो वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती है, और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो कंज्यूमर डिमांड हिट होती है, और जब कंजम्पशन डिमांड हिट होती है तो ऑब्वियसली प्राइसेस गिरते हैं और इस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। आरबीआई ने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। ऐसा क्यों होता है हम समझेंगे अभी आगे वीडियो में। लेट्स गो बैक टू ईयर 2020। तो स्टॉक मार्केट में काफी बड़ा फॉल देखने को मिला था मार्च 2020 में, और उसके बाद आरबीआई ने और भी ज्यादा रेट्स को कम कर दिया था और इंटरेस्ट रेट्स काफी लो थे। एफडी की बात करें तो वो जस्ट अबाउट 4% दे रही थी। तो ऐसे समय में इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, और इसी वजह से 2020 ऑनवर्ड्स आपको स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा रैली देखने को मिली होगी। मगर अब जब आरबीआई दोबारा से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने लगा है तो ऐसे समय में एफडी रेट्स भी ऊपर जाने लगेंगे, और जब एफडी रेट्स बढ़ने लगेंगे तो ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टर्स इक्विटीज से निकल के दोबारा से सेफर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जैसे कि एफडी या अदर सेफर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में मूव कर जाएं, और ऐसा ऑलरेडी होने भी लगा है। अगर हम अप्रैल का डेटा देखें एमपी का, सो इनफ्लोज इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैव स्लिप्ड बाय 44%। सो दिस इज एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ हाउ इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर्स मे बिहेव इन द नियर टर्म। सो विल द मार्केट गो अप? शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है गोइंग बाय इंसिडेंट शेयर्ड विद यू, मगर अगर आपका लॉन्ग टर्म अप्रोच है स्टॉक मार्केट को लेकर के, तो आपको ये जो ऑयल प्राइसेस है या जो ये इन्फ्लेशन रेट है, इंटरेस्ट रेट्स है या फिर इक्विटी आउटफ्लोज है, इसके बारे में आपको कंसर्न लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। यू कैन स्टे इन्वेस्टेड, यू कैन डू योर SIPs इन डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स एंड स्टे इन्वेस्टेड। अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो वो आप हमसे कमेंट्स में जरूर पूछ लें। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आई सी यू सून विद अनदर वीडियो नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर एंड इन्वेस्ट वेल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.